तो क्या दुनिया में तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि अब ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। कितना नुकसान हुआ, इसराइल ने जवाब में क्या किया, दुनिया ने क्या, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको इस वक्त सबसे अहम वीडियो दिखाते हैं। ईरान ने जारी किया है ये इसराइल पर अटैक का वीडियो है। जी हाँ, ईरान ने सारी दुनिया के सामने इसराइल पर हमले की तस्वीरें जारी की है। ये देखिए किस तरह से ईरान के लीडर्स ने आदेश दिया और उसके बाद इसराइल पर 300 हवाई हमले किए गए। खुद ईरान ने जारी किए हैं, इनमें किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जिस तरह से ईरान ने पहले हमला किया और फिर तस्वीरें जारी की, वो दुनिया के लिए अच्छा संदेश नहीं है। देखिए तस्वीरें, एक एक करके किस तरह से ताबड़तोड़ मिसाइलें, 300 की संख्या में लगातार मिसाइलें दागता हुआ ईरान यहां पर नजर आया। ईरान इसराइल पर जिस तरह से ये हमला ईरान ने किया है, ये तस्वीरें दिख रही हैं। इस वक्त आप गहरी नींद की आगोश में थे। रात 3 बजे इसराइल पर ईरान इस तरह से करीब 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से आसमानी हमला करने में जुटा था। रात के घोर अंधेरे में ये जो रोशनी दिखाई दे रही है ना, ये मिसाइलें और ड्रोन से इसराइल पर हमले की तस्वीरें हैं। लेकिन ज्यादातर इसराइल के सुरक्षा तंत्र आयरन डोम ने इन्हें रोक दिया और कुछ हमले अमेरिकी सेना ने भी बेकार कर दिए। इस बात की जानकारी खुद इसराइल और अमेरिका की तरफ से दी गई। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये हमले चारों तरफ से किए गए, यानी इसराइल को सोचने का मौका ना मिले। ये हमले एक साथ ईरान, लेबनान, इराक और दमन की तरफ से किए गए। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर, ये चारों देश हैं जहां से इसराइल पर हमला किया गया। इसके अलावा इनमें से कुछ हमले सीरिया और जॉर्डन से भी हुए, जिन्हें अमेरिका और इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया। इन हमलों में 185 ड्रोन से, तो 110 मिसाइल से और 36 हमले क्रूज मिसाइल से किए गए, और सब के सब एक साथ किए गए कुछ ही समय के भीतर 4 अलग अलग जगहों से। ईरान ने इसराइल पर इस हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस नाम दिया है। इस हमले का तरीका देखें तो ये ठीक वैसा ही है जैसे 7 अक्टूबर को हमास के दरिंदों ने शांत बैठे इसराइल पर एक साथ 7,000 रॉकेट के जरिए किया था। अब पैटर्न देखिए ताकि सामने वाले को बचने का मौका ना मिल सके। हमला बहुत बड़ा था, लेकिन इस हमले में सिर्फ इसराइल के नेवातीम एयरबेस को नुकसान पहुंचा। हमले की वजह से इसराइल में भगदड़ मची जिसमें 12 लोग घायल हुए। लेकिन ईरान कह रहा है कि उसका हमला उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रहा है। ईरान ने हमला किया तो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया, तैयार रहे हमला करने वाले। ईरान इसराइल के बीच तनातनी पुरानी है। ईरान पर दूसरे देशों के जरिए इसराइल पर हमले के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब इसराइल पर ईरान ने सीधा हमला बोला है। अब आगे क्या होगा? इसराइल अटैक करेगा या धमकी देकर चुप हो जाएगा? क्योंकि अब जो एक्शन होगा वो तय करेगा कि दुनिया तीसरे महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।